ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज के सत्र में बात करेंगे हम पाप से छूटने के उपाय और अन्नदान की विशेष महिमा जो महाभारत के अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 112 में पाप से छूटने के उपाय बताए गए हैं और अन्नदान की विशेष महिमा के बारे में बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा बृहस्पति ऋषि को ये प्रश्न पूछा गया था। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझे अधर्म की गति बताई, अब मैं धर्म की गति सुनना चाहता हूँ। मनुष्य पाप कर्म करके कैसे शुभ गति को प्राप्त होते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है? बृहस्पति जी ने कहा कि हे राजन, जो मनुष्य पाप कर्म करके अधर्म के वशीभूत हो जाता है, उसका मन धर्म के विपरीत मार्ग में जाने लगता है, इसलिए वह नरक में गिरता है। परंतु जो अज्ञानवश अधर्म बन जाने पर पुनः उसके लिए पश्चाताप करता है, उसे चाहिए कि मन को वश में रखकर वह फिर कभी पाप का सेवन न करे। मनुष्य का मन जो जो पाप कर्म की निंदा करता है, त्यों त्यों उसका शरीर उस अधर्म के बंधन से मुक्त होता जाता है। राजन, यदि पापी पुरुष धर्मज्ञ ब्राह्मण से अपना पाप बता दे तो वह उस पाप के कारण होने वाले निंदा से शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है। मनुष्य अपने मन को स्थिर करके जैसे जैसे अपना पाप प्रकट करता है, वैसे वैसे मुक्त होता जाता है। ठीक उसी तरह जैसे सर्प पूर्व मुक्त जरा जीर्ण कैचुल से छूट जाता है, मनुष्य एकाग्रचित होकर सावधान होकर ब्राह्मण को यदि नाना प्रकार के दान करे तो वह उत्तम गति को पाता है। युधिष्ठिर, अब मैं उन उत्कृष्ट दानों का वर्णन करूंगा जिन्हें देखकर मनुष्य यदि उससे न करने योग्य कर्म बन जाए तो भी धर्म के फल से संयुक्त होता है। सब प्रकार के दानों में अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है। अतः धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सरल भाव से पहले अन्न का ही दान करना चाहिए। अन्न मनुष्य का प्राण है, अन्न से ही प्राणी का जन्म होता है, अन्न के आधार पर सारा संसार टिका हुआ है, इसलिए अन्न सबसे उत्तम माना गया है। देवता ऋषि पितर और मनुष्य अन्न ही की प्रशंसा करते हैं। अन्न के ही दान से राजा रतिदेव स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। अतः स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण के लिए प्रसन्नचित से न्याय उपर्जित उत्तम अन्न का दान करना चाहिए। जिस पुरुष के प्रसन्नचित से दिए हुए 1000 ब्राह्मण खा लेते हैं, वे पशु पक्षी की योनि में नहीं जन्म लेता। नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य सदा योग साधना में संलग्न रहकर 10000 ब्राह्मण को भोजन कर देता है, वह पाप के बंधन से मुक्त हो जाता है। वेदज्ञ ब्राह्मण भिक्षा से अन्न लाकर यदि स्वाध्याय पारायण विप्र को दान देता है तो इस लोक में सुखी होता है। जो भिक्षा में भी अन्न लाकर ब्राह्मण को देता है और स्वर्ण का दान करता है, उसके बहुत से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जीविका चलाने वाली भूमि का दान करने भी मनुष्य पातक से मुक्त हो जाता है। पुराणों के पाठ से भी ब्राह्मण पातकों से छुटकारा पा जाता है। 1,00,000 गायत्री जपने से 1,000 गवों को तृप्त करने से विशुद्ध ब्राह्मण को यथार्थ रूप से वेदार्थ का ज्ञान कराने से तथा सर्वस्व के त्याग आदि से भी द्विज पाप मुक्त हो जाता है। इन सब में सबका अन्न के द्वारा आतिथ्य सत्कार करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है, इसलिए अन्न को सबसे उत्तम माना गया है। धर्मात्मा पांडुनंदन, जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन का उपहरण न करके न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने बाहुबल से प्राप्त किया हुआ अन्न वेद देवता ब्राह्मण को बलिभांति शुद्ध एवं समाहित चित्त से दान करता है, वह उस अन्नदान के प्रभाव से अपने पूर्वकृत पापों का नाश कर देता है। हे नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य वेद न्याय धर्म और इतिहास के जानने वाले 1000 ब्राह्मण को भोजन कराता है, वे घोर नरक और संसार चक्र में नहीं पड़ता। इस लोक में उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मरने के बाद वह परलोक में सुख भोगता है। इस प्रकार अन्नदान में संलग्न हुआ पुरुष निश्चित हो सुख का अनुभव करता है और रूपवान कृतिवान तथा धनवान होता है। भारत अन्नदान सब प्रकार धर्मों और दानों का मूल है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अन्नदान का सारा महान फल बताया है। बोलिए श्री वासुदेवाय नमः।